राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार, अपना हरियाणा धमाल यूट्यूब चैनल से। दर्शक साथियों, आज हूं मैं महम चौबीसी के भैणी चंद्रपाल गांव में, और यहां पर आए हैं हम। एक पक्षी प्रेमी भाई है जो ढीला भाई है, जो काफी शौक रखते हैं पक्षियों के बारे में। हमने भी उनको देखा है। ये भैणी चंद्रपाल गाँव का बड़ा तालाब है, ठीक इसके सामने उनका ये मकान है, जाखड़ भवन। आइए इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं ढीला भाई क्या कर रहे हैं और उनके पास में कौन कौन से पक्षी मौजूद हैं। पहले तो एंट्री करते हैं, ये उनका मकान है। इधर देखिए भाई, ये देखा बिशम भाई, यहाँ तोते हैं जो पिंजरे के अंदर रखे हुए हैं भाई ने, बिल्कुल अच्छे नस्ल के तोते दिखाई दे रहे हैं। और साथ में एक कुत्ता भी है, बिल्कुल अच्छी नस्ल का कुत्ता है। इधर देखिए, ये इनके पिताजी हैं ढीला भाई के, उनसे भी बात करेंगे अभी। राम राम अंकल जी। राम राम भाई, कैसे हो? ठीक हूँ। तो इस प्रकार से ढीला जो काम कर रहा है पक्षी उड़ाने का, उसको पॉपुलर हो रहा है पूरा हरियाणा में, कैसा लग रहा है इस तरह की बातें सोचकर? ठीक है, अपना टाइम पास के लिए जा है। अच्छा, और आपको दिक्कत तो नहीं होती? ना, मन न की दिक्कत है। अच्छा। ना मन नहीं हो, मन भी नहीं, नहीं। लगन लगी हुई है, जो करना हो करना है। अच्छा, चलो ठीक अंकल जी, खेती बाड़ी करते हो? हाँ, खेती बाड़ी। चलो आइए आगे चलते हैं, ढीला भाई के पास ऊपर है ढीला भाई, वो जो दिखा दूं मैं आपको, ऊपर कबूतर उड़ा रहा है भाई ढीला भाई। आजा बिशम भाई, ऊपर आजा। ये देखिए खान है कबूतरों की, यहाँ एक और जाली लगाई हुई है कबूतरों का, जो स्पेशल मकान बनाया है ढीला भाई ने। इसके अंदर दाना पानी सारी व्यवस्था है, छोटे बड़े कबूतर भी हैं इसके अंदर। आजा भाई बीच में, ऊपर आजा। ये देखिए भाई, ढीला भाई इस टाइम पे भी लगे हुए हैं बिल्कुल अपने काम में। ये देखिए भाई, राम राम ढीले भाई। राम राम भाई, कैसे हो ढीले? बढ़िया, आज क्यों कराने वाले? बस गांव में आए थे, इस तरफ से निकल रहे थे, तो सोचा कि ढीला भाई से मिलके चलते हैं। ढीला भाई, कितने कबूतर हैं आपके पास? कबूतर तो घने हैं, बाकी ट्रेंड तो मेरे 4-5 करे उड़े। शौक कब से लगे आपको ये? शौक तो ये दो तो बचपन है, शौक तो रिक्स मैंने 2 साल तक लिया। अच्छा, तो इनको खास पढ़ाई पढ़ाई जाती है क्या? आपके कहने से ही काम करते हैं? ट्रेंड करे था बचपन से। ये तो इतना तजुर्बा रहा, बड़ा कबूतर ने भी ट्रेंड कर दिया। ढीला भाई, इस कबूतर के अंदर 48 नंबर का आपने छल्ला पराया रखा, ये कोई खास बात है क्या? ये बस दिखाने खातिर सुतरा लगे। अच्छा, ये कलर देखिए कबूतर का जो कलर है, ये स्पेशल कलर क्या कुदरती है या आपने किया हुआ है? ना, ये रंग कलर कर रखा हमने। अच्छा, तो ये पक्का कलर है? हाँ, पक्का कलर है। कितने दिन में एक बार कलर कर देते हो? कलर है एक केवल करिया था बस। अच्छा, ये तो देसी नस्ल का गोला कबूतर दिखाई दे रहा है। गोला नहीं, ये देसी असली कबूतर है। अच्छा अच्छा, धोला कबूतर। तो इसको आप उड़ाते? अच्छा, लाल। इस कितने टाइम तक ये आसमान में रह सकते हैं? यो कबूतर मैंने 2-2.5 बजे तक उड़ा रखा है, उड़ा के छोड़ दिया था मैंने। शौक का कबूतर है हमारा। क्या गांव में इस तरह की जो शर्तें लगाते हैं, क्या इस प्रकार की शर्तों में या उड़ाने के जो होते हैं प्रोग्राम, उनमें भाग लेते हो? हाँ, उनमें भी लिया। अच्छा, हाँ। तो कहीं से आपने विनिंग कंपटीशन भी लिया है? हाँ, कहाँ से? गणे कंपटीशन जीते। अच्छा, एक तो मोटरसाइकिल जीत के लिया रखी है कबूतर। कौन सी मोटरसाइकिल है? मोटरसाइकिल नीचे खड़ी है ऐसे, तो बजाज आड़ेगी कुर्सी। अच्छा, एक मोटरसाइकिल नाम में मिल रही है अपना बड़ा भाई ने। दो मोटरसाइकिल नाम दिवा दी है कबूतरा ने। दो मोटरसाइकिल। अच्छा, मैं तो ये कहूंगा दर्शक साथियों कि जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी कोहिनूर, जैसे ही वो इशारा करता है कोहिनूर अपनी उंगलियों से, वो काल्पनिक इशारा होता है, लेकिन यहाँ पर इस गांव के अंदर ढीला भाई एक हकीकत का कोहिनूर मैं कहूंगा कि जो कबूतर प्रेमी है वो जबरदस्त है। और कोहिनूर मैं तो इसको महम चौबीसी का कोहिनूर कह के संबोधित करूंगा, क्योंकि पक्षियों को इशारे से अपनी बात समझाना कोई छोटी बात नहीं है। तो ढीला भाई, कितनी परेशानी होती है इनको पालने में? परेशानी मेरे खातर तो कुछ भी परेशानी नहीं।
आम जन जीवन में क्या करते हो अपना काम? तुम काम तो खेती बाड़ी वाला अपना। कितने एकड़ की खेती करते हो? खेती 6 किल्ला की। इनकी खुराक में क्या क्या देते हो? खुराक में अनाज दिया जाता है, गेहूँ, चने, बादाम भी खुवाए जाता है। दिला भाई, जैसे इनका खर्चा बहुत होता होगा, लगभग महीने में कितने रुपए खर्चा आ जाता? खर्चा तो पढ़ाया नहीं करता, बाकी इनका क्या खर्चा होता है, एक चीज रखा तो पापा। शौक मायने रखता है, खर्चा मायने नहीं रखता। वो ले भाई, मेरे भी कान में गुटर गु कर दिया ढीला भाई ने, मैं भी बराबर बना दिया अपने। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये भी एक जबरदस्त चीज देखने को मिल रही है, जैसे पक्षियों के साथ घुलना मिलना कोई छोटी बात नहीं है। इनकी भाषा आपको समझ में आ जाती है कुछ? हाँ, जैसे पानी वगैरह भूख वगैरह इनको लगती है तो आपको कैसे पता चल जाता है? इनका टक्कर लग जाए मारने पिंजरे में। अच्छा, तो ढीला भाई और आगे जीवन में क्या प्लान है, क्या करना चाहते हो? प्लान तो कुछ नहीं, बस ये दोनों लाले पूरी दुनिया में नाम हो गया, बढ़िया नाम हो रहा है अपने, यही काम करूंगा इसमें। गांव में कैसा रिस्पांस है जब आप इनको कबूतरों को अपने साथ लेके निकलते हो, पक्षियों को लेके निकलते हो? बढ़िया नाम चल रहा है अपना, सारा नाम चल रहा है। कितने जाके पूछ ली? वैसे तो जैसे कबूतर रखने वाला एडिक्ट होती है, ये वैसे भी आसमान में देखता रहता है कि क्या चल रहा है। थोड़े दिन में तो वो कबूतर वाला बड़ा बहन बाज जाएगा। बिल्कुल, कबूतर वाला बड़ा बहन गांव से जाना जाएगा भाई। कबूतर वाला बड़ा बहन बाज जाएगा। अच्छा, सुंडाली सीसर का नाम है था, न्यू बड़ा बहन में कबूतर वाला नाम होगा, कबूतर वाला। ढीला भाई, पढ़ाई लिखाई कितनी करी? पढ़ाई लिखाई 5वीं क्लास तक जा रहे हैं। अच्छा, तो जैसे सुबह उठते हो, उठ के सुबह कितने बजे इनकी देखभाल शुरू कर देते हो? इनकी देखभाल कर यार मैं खाली टाइम में, पहला अपना काम जरूरी है, ये पाछल खेती का काम करते हो? हाँ। तो जैसे खेत से वापिस आते हो, क्या खेत में ये जाने के बाद में ये नहीं लगता कि भाई कहीं कबूतर कहीं उड़ ना जाए, दाएं बाएं चले जाए? ना, ऐसी तो कोई बात नहीं, कबूतर में जड़ा उड़ जाए, हमारा कबूतर उड़े, आवाज मार के बुला लूं मैं, मगेला ले जाऊं कबूतर ने, खेत में साथ जाते हैं। दर्शक साथियों, एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि ढीला भाई जैसे अब जैसे राजनीतिक पार्टियां जो भी प्रोग्राम करती हैं, ढीला भाई को स्पेशल इन्विटेशन देती हैं भाई। हां, स्पेशल बुलाऊं मैंने? अच्छा, क्या उनसे आप फीस वसूल करते हो? फीस इतने तो कुछ लिया नहीं, बाकी मेरा खर्चा पानी तो मन चाहिए। बिल्कुल चाहिए भाई खर्चा पानी, जितने भी राजनीतिक दल देख रहे हैं, मैं तो चाहूंगा कि ढीला भाई का खर्चा पानी तो करता चल जाए, लेकिन कबूतरा का खर्चा पानी बहुत जरूरी है, इस बात का भी ध्यान रखा करो। तो ढीला भाई, जैसे आप इस महम क्षेत्र के अलावा किसी और क्षेत्र में भी जाके नहीं ये काम करे, आपने कबूतर उड़ाए हैं? मैं तो नमेम था गले तो गया नहीं हूँ, बाकी मैं कितने भी जा लू उड़े मैंने पहचान लिए। ढीला भाई, जैसे मोटरसाइकिल लेके चलते हो और पीछे पीछे कबूतर उड़ते हैं, कितनी स्पीड में आपके साथ उड़ सकते हैं ये कबूतर? उड़ा मेरे 80-90 स्पीड से, 80-90 किलोमीटर, 80-90 किलोमीटर की रफ्तार जो मोटरसाइकिल की गाड़ी की होती है वो थोड़ी नहीं होती दर्शक साथियों, बहुत ज्यादा रफ्तार होती है, लेकिन साथ साथ रहते हैं, बिछड़ने का डर नहीं रहता? 80 की स्पीड तो उसने दिखा रखी है कर्मों ने। बिल्कुल बिल्कुल, कर्मो भाई आए थे हमारे, कर्मो भाई है जो हमारा सीनियर साथी, वो भी आया था, वह लाख आदमी वीडियो डाली थी, तो उससे वीडियो ने फेमस बना। चलो, कहीं ना कहीं फेम और नाम होना भी जरूरी है, जिस काम का आदमी लगन से लग जाता है वो काम अगर लगन से करता है तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है। ढीला भाई, आपके पास आते हैं कबूतर ट्रेंड करवाने के लिए लोग? कबूतर ट्रेंड तो और कोई करवा ले, फिर मैं करूँ को बादाम खुवाऊ। बादाम? ओ, ये देखो भाई, ये बिल्कुल बादाम बे रखे हैं भाई, जो कबूतर उड़ने वाले हैं उनको बादाम खिलाता है ढीला भाई। देखो, अपने आप उठा लिया, ये देखे इसके अंदर भिगो रखे हैं, कच्ची जो कुल्ली होती है, मटकी होती है छोटी, उसके अंदर भिगो देता है। और कितने बादाम एक कबूतर की डाइट है? कबूतर 4-5 बादाम खा ले कबूतर, 4-5 बादाम खा ले है कि मैं अपना आप भी खा ले है? आप पे खाओ कबूतर? नहीं, ढीला भाई खुद भी खाओगे? आप तो कोने खाए जाते हैं। चलो अंकल जी, हलवाई अपनी मिठाई के खा करे, दशहरा हिंदी आ रहे हैं। जब कबूतर जीत के आता है तो कितना अच्छा महसूस हो? अच्छा तो बहुत बढ़िया हो। ढीला भाई, एक और आपके गढ़ में ये देख रहे हूँ चैन जिसके ऊपर जाट लिखा हुआ है, ये क्या शौक है, स्पेशल ट्रेंड है क्या आपका? ब्रांड है, तो जाट एक ब्रांड है? हाँ, जाट एक ब्रांड है।
ढीला भाई आगे क्या प्लान है जीवन में, शादीशुदा जिंदगी का? शादीशुदा तो बस शादी तो कोने करवांदे इन्हें तो प्यार बतेरा मने। अच्छा कबूतरों के लिए अपनी शादीशुदा जिंदगी को किनारे कर रहे हो? तो कबूतरा तो प्यार करेगी उससे तो भला है। जो कबूतरों वाली होगी, आप वीडियो देखने वाले दर्शक साथियों, अगर कोई लड़की इस तरह की वीडियो देख रही है जो कबूतर प्रेमी है, तो ढीला भाई उसी से शादी करेगा, नहीं तो और जीवन में गुंजाइश बची नहीं कबूतरों के अलावा। और जो माता जी है वो आपको क्या कहती है इस बारे में, कबूतर जैसे रखते हो दिन? मन कहनी है तो कोई को नहीं, मैं अपना काम पहले संभालू, इन पास संभालू। तो जो आजकल जैसे एक वीडियो वायरल हुई ढीला भाई, एक पेड़ को जेसीबी से गिराया गया है और वो पेड़ गिरते हुए उसमें कम से कम सैकड़ों पक्षी मर गए, और पक्षियों को बचाने के लिए जो आम जनता के लिए क्या खास संदेश देना चाहोगे कि पक्षियों के साथ कैसा व्यवहार करना? पक्षियों खातिर तो बढ़िया व्यवहार करना चाहिए, आप अपना बराना के कुंडे में पानी रखना चाहिए, कुंडे में पानी रखना चाहिए और साथ में थोड़ा हाँ दाना भी रखना, दाना भी किसे वगैरह ज्यादा दाना वगैरह नहीं तो पानी तो बहुत जरूरी है। चलो और भी यहाँ पर बैठे जो परिवार के सदस्य है आंटी जी, ये आ जाओ भाई दिखाऊंगा जो शील्ड जीत के ले आया ढीला भाई, इन कबूतर जो प्रेमी होने की जो खास बात है, एक मिनट कबूतर बाजी प्रतियोगिता जो है ना, ये गांव बिरोली जींद में हुई थी जिसमें इनको ये फर्स्ट प्राइज मिला था बिरोली जींद, और दूसरी प्रथम कबूतर बाजी प्रतियोगिता ये खरकराम जी की है, ये भी जींद की है, सुरेंद्र पहलवान ने करवाई थी, और ये है मैयड़ हिसार की फोर्थ प्राइज की, दूसरी अबतपुर की, और ये देखिए ये फिर बिरोली जींद की है। इस तरह से काफी इनाम जो ढीला भाई जीते हैं, और दो बाइक भी जीत के लाया है जो काफी बड़ी बात है, इन्होंने नाम और फेम दोनों कमा लिए पूरे हरियाणा प्रदेश में। और मैं तो ये चाहूंगा ढीला भाई कि आप पूरे हरियाणा प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान में ही ऐसा नाम कमाएं और लगातार ऐसे ही अपने गाँव का अपने प्रदेश का नाम रोशन करते रहें। तो और ढीला भाई इसके लिए खास ट्रेनिंग में आप जैसे कोई खास बात बताते हो क्या, दूसरे आदमी को भी सिखा सकते हो इस तरह बातें? दूसरा आदमी तो ये सिखा सको हूँ, फिर वह बात है खर्चा तो हर एक चीज का है। हाँ बिल्कुल, कीमत हर चीज की होती है, लेकिन उस आदमी को सिखाएंगे ढीला भाई जो कबूतरों का असली प्रेमी होगा, क्यों ढीला भाई? हरी में ज्ञान तो स्कूल में तभी ना मिलता नहीं। फीस लेके चलो आइए, आपको नीचे लेके चलता हूँ। एक कबूतर सुरेंद्र रोमियो का था, तो लोग ना मार दिया तो उनका बैठा बैठा के। हाँ बिल्कुल है, रह रहे हैं ये अपने दौर। हाँ एक गाना पूरे हरियाणा में उड़ा था के उड़ा उड़ा रे कबूतर बिला मेरे ढूंगे पे बैठा, तो यो नहीं गए सुरेंद्र रोमियो का कबूतर तो हाथ गाल के ले दिया लुगाइया ने, अरे अपना ले कबूतर बच रहे हैं। बहुत बढ़िया गाना चल रहा था भाई का, फिर लुगाइया ने मार दिया कबूतर। और अपने जो इनके पास में भाई आए हैं, अभी मैं आपसे बात करवाऊंगा, जो ये देखिए इधर भी भाई, ये कबूतर का खजाना दिखाऊंगा आपको। है अच्छा चलो बाहर से दिखा दे एक बार, ये देखिए कबूतर, बिल्कुल पूरा समय देते हैं कबूतरों को अपना, और ये कहते हैं जैसे घर के अंदर हर चीज संभाल के रखी होती है वैसे ही कबूतरों के लिए स्पेशल जगह बनाई हुई है, और लगातार कबूतरों को, ये देखिए ढीला भाई ने वो उड़ा दिया कबूतर, बिल्कुल जैसे इशारा करता है, एक बार फिर उड़ाइए ढीला भाई, इसने उड़ा रहेंगे इन कबूतर ने। अच्छा ये देखिए भाई मोटरसाइकिल का, ये जो हाथ के ऊपर बैठा है, ये देखिए ये कबूतर जो सामने देख वो आ गया हाथ करते ही, बिल्कुल आवाज जैसे लगाएगा ढीला भाई तुरंत कबूतर इनके हाथ के ऊपर आगे बैठ जाए, रफ्तारी कबूतर है, बादाम खाने वाला कबूतर, आसमानी कबूतर है भाई। कबूतर ने लंबी उड़ान भर दी भाई ढीला भाई, अच्छा कई दिन में छूटे है, ये देखिए भाई ये देखिए, ये शायद मन देख ही रहे है। अच्छा चलो आपको ढीला भाई की जो माताजी है उनसे भी मिलवाता हूँ वो इस बारे में। अच्छा अच्छा खाना बना रही है भाई ढीला भाई की मम्मी जी, तो ढीला भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो ये समय दिया हमारे लिए। एक बार इसमें तार कर दूंगा। हाँ भाई
दिला भाई बता रहे हैं कि एक कबूतर जो देसी जो कबूतर है जिसने कौन सा कबूतर कहो दिला भाई? जंगली कबूतर गोला, बिल्कुल जंगली कबूतर। उसका बच्चा आपने नीचे रखा है? हाँ, उसका बच्चा नीचे रखा है। कितने दिन का लगभग होगा? होगा 15-20 दिन का। चलो आओ दर्शक साथियों, आपको दिखा देता हूँ वो बच्चा भी। आजा दिला भाई। दर्शक साथियों, आपको दिखा दूं, ये वो बच्चा है, छोटा बच्चा जो जंगली बच्चा है जो डीला भाई। कहाँ से इसको ले गया है डीले भाई? यो आड़े थे इसमें थे अड़बरण आ गए पेटी में बहरे थे सज्जब है। अच्छा, उन मत लिया था तार के। तो अब इसको ट्रेंड करोगे? इसने ट्रेंड करूंगा, इसने नुकू है कि वो ट्रेंड नहीं हो सकता। अच्छा, मेरा मनो मन है मैं इसने ट्रेंड करूंगा। चलो, इसकी खासियत भी है कोई, अगर ट्रेंड हो जाता तो ये और कबूतरों से ताकतवर है क्या? ताकतवर तो कोई नहीं। अच्छा, यो तो जंगली है तो जंगली रहूंगा। यो मोटरसाइकिल के लाउ उड़ाऊंगा, बाकी मेरा मन मानना है। और तो नको है कि यो कौन उड़े। और एक बच्चा आज मेरे और गिफ्ट में दिया है, अड़गा मरगा का धर्मवीर है फौजी, वो बच्चा और दिखाऊंगा आपको। दिखाओ भाई कहाँ है। तो दूसरा एक एक बच्चा, छोटा बच्चा इनको इसके अंकल जी ने गिफ्ट में दिया है, उसको भी ट्रेंड करेंगे। दिला भाई, भाई लगातार पिछले 2 साल से लगा हुआ है और चर्चा का विषय है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कि इस तरह से कबूतर प्रेमी होना और कबूतरों को ट्रेंड करना। हाथ के इशारे से, जैसे हाथ का इशारा करता है तुरंत कबूतर उनके कंधे पर आगे बैठ जाते हैं। ये है वो छोटा बच्चा। दवाई लगा दी या ये नो पालस लगा रखी और दवाई भी लगा रखी इसके। चलो ये डीले की ले रखी। आज मोटरसाइकिल और दिखा दे अभी डीला भाई। ये बाइक है भाई, ये बाइक है जो ढीला भाई जीत के ले आए नाम में। अच्छा, एक बार लगी हुई है। तो हमारी भी शुभकामनाएं ढीले भाई आपके साथ हैं कि लगातार आप इस तरह से उन्नति और तरक्की करते रहे और हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन करते रहे। धन्यवाद भाई ढीला। आप सभी दर्शक साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे भाई ढीला बड़े भैणिया, जो अपनी बाइक के ऊपर भी लिखे रहते हैं, और गांव है इनका भैणी चंद्रपाल महम 24 के अंदर, जो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इनने मशहूर कर रखा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you.